आइसवर ओडियंटेक। तो यहाँ पे गैलेक्सी फोल्ड जो कि रिवील हो चुका है कंपनी की तरफ से और रीडिज़ाइन किया गया, पहले कुछ लॉन्च हुआ था नहीं, उन्होंने दोबारा से कॉल बैक कर लिया क्योंकि उन्हें कुछ कंफर्म नहीं था या कुछ उन्होंने चेंजेस करने थे वो उन्होंने किए हैं और दोबारा लॉन्च किया है जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने ही है। तो मैं अगर आपको इसको छोटे में छोटी सी एक लाइन में बताऊँ तो ये स्मार्टफोन नहीं है, टैब नहीं है, ये एक उन दोनों का मिक्स वर्जन है। तो गैलेक्सी फोल्ड एक अच्छा डिवाइस हो सकता है बट मेरे हिसाब से इसका प्राइस बहुत ही हाई होने वाला है, बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, 1 लाख रुपीज़ से तो ऊपर ही जाएगा। और डॉलर्स में अगर देखा जाए तो डॉलर्स में आपको बता दूँ तो मिनिमम 2000 डॉलर, तो मिनिमम बता रहा हूँ आपको इतना होगा 1500 से 2000 तो होगा ही होगा क्योंकि डॉलर में शायद प्राइस कम हो, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा होगा। तो देखते हैं क्या लॉन्च होता है। लॉन्च तो हो चुका है, आप वीडियोज़ में देख सकते हैं, हैंड जोन भी आ चुका है और यहाँ पे हैंड जोन भी आप देख सकते हैं। अगर आपको मैं दिखाऊँ थोड़ा सा हैंड जोन आपको इसके अंदर, तो यहाँ पे हैंड जोन में आप देख सकते हैं कि जो सामने की डिस्प्ले है वो बहुत ही छोटी है, मेरे को तो नहीं अच्छी लगी क्योंकि Huawei अगर यूज़ कर सकता है, Huawei Mate X के अंदर इतनी बड़ी डिस्प्ले, अगर आप वो उन्होंने कुछ कंसेप्ट यूज़ करा है जो कि वो इनसाइड फोल्ड नहीं होता, वो आउटसाइड फोल्ड होता है। आपको मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि वो एक बुक, ये एक बुक की तरह बंद होता है, वो बुक की तरह बंद नहीं होता क्योंकि इसकी डिस्प्ले अंदर चली जाती है, जो मेन डिस्प्ले होती है इसके अंदर दो डिस्प्ले है, Huawei Mate X में सिर्फ एक ही डिस्प्ले है, उसी को दो चीज़ों में यूज़ किया गया है। तो वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये मुझे इतना अच्छा कंसेप्ट नहीं लगा, पर कंपनी ने बनाया है, सैमसंग है जो कि बहुत ही जाना माना ब्रांड है तो कुछ ना कुछ सोच के ही बनाया होगा। और यहाँ पे आप कॉर्नर्स के जो एजेस पे देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा भी नॉच आपको इतना जो एजेस पे मिला है वो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत अच्छा मिल रहा है, इतना गलत नहीं है, बट एक कट है अगर आप देखेंगे तो राइट कॉर्नर पे, टॉप राइट कॉर्नर पे एक कट होगा जिसे आप नॉच कह सकते हैं। कैसा है कैसा नहीं है, डिवाइस अच्छा है नहीं है, अभी आके आगे पता लगेगा। स्मार्टफोन, ये जो स्मार्टफोन है टैब है जो भी है, जो फास्ट ज़रूर होगा, प्रोसेसर अच्छा होगा, कैमरा सब कुछ बहुत ही बेहतरीन होगा जो कि एक फ्लैगशिप का ही सब कुछ यूज़ किया गया होगा। तो देखते हैं क्या निकल के आता है ये आपको। तो अगर थोड़ी बहुत अगर मैं इसको बता दूँ, सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी फ्लेक्सिबल और 7.3 इंचेस की जो कि अंदर होगी, जो कि खुल के जो खुलेगी वो वाली डिस्प्ले होगी। और अगर इसके अंदर एंड्रॉयड 9 या 10 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और पहले बीच में इसके अंदर एक इशू आ रहा था जो कि जब इसे ओपन करते थे तो जो सेंटर में एक लाइन सी आ रही थी उसको रिमूव कर दिया गया है। और देखते हैं जो गैप था बीच में, 2 हाफ्स के बीच में एक गैप था, वो अब कैसा शो होता और कैसा नहीं, और आप सामने फोटो में देख सकते हैं यहाँ पे $2000 का मायना लगाया जा रहा है कि हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, अभी यूरो में भी कन्वर्ट होगा और पाउंड में भी होगा, तो देखते हैं क्या प्राइस निकल के आता है। डिवाइस अच्छा है नहीं है पता लगेगा बाद में, हैंड्स ऑन आप देख चुके हैं और अपना राय दीजिए नीचे कमेंट में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आई है। और अगर आप चाहते हैं नया स्टफ बहुत सारा आने वाला है, मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ही जल्द नया स्टफ आने वाला है चैनल पे, बहुत यूनिक चीज़ें आने वाली हैं और मैं शायद कोशिश करूँगा कि हर बार आखिरी में एक सॉन्ग सजेस्ट करके जाऊँ, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आइडिया है कि एक सॉन्ग सजेस्ट करके जाऊँ जो मुझे पसंद है और आप ट्राई करें उसको सुनने का और आपको भी पसंद आ सकता है। और आज का जो सॉन्ग सजेशन है वो है क्रेडल्स का, जो कि बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है, तो आप जाके क्रेडल्स सर्च करो और देखो कि मैं फ्री की एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो क्रेडल्स का ये सॉन्ग है वो बहुत ही बेहतरीन है, वो इसका नाम है क्रेडल्स सब अर्बन का, सब अर्बन क्रेडल्स लिखना, NCS का रिलीज है, सुनना सॉन्ग, मुझे नीचे कमेंट में बताओ कैसा सॉन्ग है। आप बोलोगे सॉन्ग कहाँ से आ गया, सॉन्ग पता नहीं कहाँ से आ गया, आप सुनो जाके और बताओ कैसा लगा। अच्छा ये थी एक एंटरटेनमेंट के लिए, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, न्यूज़ आती रहेगी ऐसे ही बहुत बेहतरीन और बहुत सारा स्टफ आने वाला है बहुत ही जल्द। 10,000 व्यूज़ के लिए थैंक यू, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, देखते रहिए मुस्कुराते रहिए, पीस आउट।